नमस्ते, मैं सुरभि। और देखिए, बहुत खूबसूरत ये स्नेक प्लांट है जिसे सिंसेबेरिया भी बोलते हैं। और ये जितने भी देख रहे हैं, ये मैंने फ्री में ग्रो किए हुए हैं। और कैसे मैंने फ्री में ग्रो किए हैं वो भी शेयर करूँगी। तो जैसा कि आजकल प्लांटों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब छोटे से छोटे प्लांट इधर 20 से 25 रुपये से इधर नहीं मिलता था, जो पहले हमें वही प्लांट 5 से 10 रुपये के बीच में मिल जाते थे। तो देखिए, ये इतने सारे मैंने ये प्लांट बना रखे हैं कि मुझे रखने की जगह नहीं, मैं कोने कोनों में इसे रखी हूँ। क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। इवन इतने सारे बेबी प्लांट इनके हो रखे हैं कि मैं जहाँ तहाँ लगा के इसे ग्रो करूँ। नर्सरियों में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो कैसे मैंने इन्हें फ्री में ग्रो किया हुआ है और कैसे इतने तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इसके सारे केयर टिप्स मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए कुछ और भी कुछ फ्री के कॉस्टली प्लांट मैं दिखाती हूँ। ये है फिश बोन कैक्टस, और ये बहुत कम देखने को मिलता है, और आता भी है तो बहुत कॉस्टली आता है। एक इतनी छोटी सी कटिंग ये नर्सरी में गिरी पड़ी थी तो मैंने लगा लिए, और देखिए आज इसके इतने सारे इसके बेबी प्लांट साइड से निकल रहे हैं। तो ये जो देखने में कॉस्टली लगते हैं और जो कि बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से, एक छोटी सी टिप भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं, तो फ्री के ही हैं। तो वही है, बस कभी कभी ऐसा रहता है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता है कि ये कटिंग से लगता है यह बीजों से। और देखिए लालटेन हिबिस्कस में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और कलाडियम तो देख ही सकते हैं, अभी इसका टाइम है, अभी सीजन है मल्टीप्लाई होने का, अभी इस गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। तो यही है कि मैं आज आप लोगों से स्नेक प्लांट शेयर करूंगी कि कैसे, अगर आपको भी कहीं ये मिले तो ज़रूर लगाइएगा। इस प्लांट की एक खासियत है, ये पत्तियों से भी लग जाता है, पानी में भी ग्रो हो जाता है, और देखने में तो जितना खूबसूरत है इसके गुण भी बहुत है। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है, यानी कि जितने भी हवा में टॉक्सिन होता है इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने की बहुत अधिक क्षमता रहती है, और महीनों महीनों बिना पानी खाद के चल जाता है। और देखिए, ये मैं मॉर्निंग में अपने बच्चों को छोड़ के आ रही थी स्कूल, तो रास्ते में ये गिरा हुआ था, और मेरे ख्याल से ये रात में किसी ने उखाड़ के फेंक दिए थे, जिस पर इस पर बहुत सारे लोगों ने चले होंगे या गाड़ियां भी चली होगी। पूरे देख ही सकते हैं पत्ते पचक गए हैं, पूरा एकदम ये ख़राब हो गया है पत्ते। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पत्ते अच्छे हैं, और जैसे गाड़ियां चली होंगी तो कुछ बीच से ये दब गए हैं, और ऊपर के कुछ अच्छे हैं, और कुछ नीचे के जो इनके रूट हैं वो काफ़ी मजबूत है। तो मैं इन सारे प्लांट को उठा के लेके आई, और क्योंकि ये मैंने नहीं लगा रखा हुआ था, क्योंकि ये नर्सरियों में कॉस्टली आते हैं। जो सिंपल वाला आता है वो भी आजकल 100 में आने लगा है, और ये जो येलो धारी जो साइड में होती है वो 250 से लेके 300-500 जैसे प्लांट की ग्रोथ हो वैसे मिलते हैं। तो देखिए, मुझे इतना सारा फ्री में मिल गया, और ये बहुत पत्ते ख़राब हो गए हैं, इस हो सकता है इन ये रास्ते में पड़ा था तो इस पर लोग चले होंगे। तो बहुत सारा मुझे मिल गया है, अब देखिए मैं कैसे लगाऊंगी। कुछ तो इनके जितने बेकार पत्ते वगैरह होंगे, जो दब गए होंगे, मुड़ गए होंगे, उन्हें काट के हटा दूंगी, और छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारे मैं इनके प्लांट तैयार कर लूंगी, और जो नीचे से अच्छे होंगे उन्हें मैं अपने पॉट में ग्रो कर लूंगी। और देखिए, इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार की, मिट्टी बहुत भुरभुरी है, और मिट्टी में मैं बालू की मात्रा ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ये स्नेक प्लांट है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके ये ज़्यादातर ख़राब गलने से हो जाता है, ज़्यादा पानी पड़ने से इसके रूट रॉट ख़राब हो जाता है। रूट रॉट के कारण ये जड़ें ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, ये कब गल जाता है पता नहीं चलता है। ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद भी मत डालिएगा, बस इसमें नीम खली और एक मुट्ठी कंपोस्ट काफ़ी है, ज़्यादा खाद से भी ये ख़राब हो जाता है। और देखिए, अपने गमले को हल्का बनाने के लिए मैं ये जो नारियल के छिलके होते हैं ना, और ये लेके आई हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, ये जो नारियल वाले ठेले पर बेचते हैं ना, उनसे मैं 5 रुपये 10 रुपये दे देती हूँ, और ढेर सारा मुझे मिल जाता है, जिससे मेरे पॉट हल्के रहते हैं, और चाहे हैंगिंग बास्केट हो चाहे छोटे पॉट हो।
और देखिए इसमें बालू मैं जो रेत बोलते हैं रिवर्स है वो मिलाऊंगी ताकि इसमें पानी ठहरे नहीं और ख़राब ना हो। और इसे आपको कहीं भी मिले, अगर गिरे पड़े मिले, अगर कटे फटे भी मिले तो इसके पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाते हैं। इसके पत्तियों कटे फटे आप इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा तो उससे भी न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और देखिए इसके लिए मैं ज़्यादा बड़े पॉट की नहीं सेलेक्ट की हूँ, मेरे ख्याल से ये 6 इंच के पॉट है। नीचे देखिए बहुत सारे मैंने जो मेरे पॉट टूट गए थे मिट्टी के उसी की टिकरी बहुत सारा लेयर रखा हुआ है ताकि पानी अच्छी तरह से इसमें निकल जाए। छेद बहुत सारे थे ये प्लास्टिक के पॉट में और इनका यूज करूँगी। देखिए हाथ कितना गंदा हो गया है, तो ग्लव्स पहन के काम नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हाथ ही नहीं चलता है ग्लव्स पहनने से। तो मैंने ग्लव्स मैंने जब गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था तो ग्लव्स वगैरह मैंने मंगाए थे, लेकिन 2 दिन बाद मैंने उसे ऐसे एक जगह फेंक दिया, रख दिया है उसको, क्योंकि यूज नहीं, मुझे लगता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा। और देखिए मैंने इसे ऊपर तक थोड़ा सा इसे भर दिया है ये नारियल के छिलकों से। तो जो नारियल ठेले पे बेचते हैं ना तो छिलके रखे रहते हैं, तो आप उनसे मांग सकते हैं, वो फेंक ही देते हैं तो, और 5-10 रुपये दीजिएगा तो बहुत भर के दे देते हैं। तो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है और अपने छोटे पॉट के लिए भी बेस्ट होता है क्योंकि ये हल्के बने रहते हैं। तो फ्री में मिल जाएंगे, कोई कोई तो फ्री में भी दे देते हैं, लेकिन मैं 10-5 दे देती हूँ और बोल के रखती हूँ मेरे लिए रखे रहिएगा। तो इसे मिट्टी कम लगता है और आपको पता ही है शहरों में मिट्टी की कितनी प्रॉब्लम है, और कहीं कहीं तो मिट्टी इतनी ख़राब भी मिलती है कि हम वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ये कलेक्ट कीजिएगा, ये भी डिकम्पोस्ट होके आपका फ्री का ये फर्टिलाइज़र बन जाता है। और इसको आप पीस के ना छोटे छोटे टुकड़े काट के आप मिक्सी में पीस के कोकोपीट भी बना सकते हैं, और कुछ दिन इसको आप पानी में भिगो के अगर ये नहीं ये होता है तो छोटे छोटे टुकड़े काट के आप गमले में भी इसको हल्के गमले बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत काम का चीज़ है और देखा जाए तो फ्री का ही है। तो मैंने देखिए पूरा एक भर के पूरा ये पॉलिथीन में लेके आई हूँ, और देखिए इसको थोड़ी सी मिट्टी लगेगी और इससे जो मेरा स्नेक प्लांट है ना उसमें उसके जड़ों में ठंडक भी बनी रहेगी और हम मेरा गमला भी हल्का रहेगा। तो मैं इसे लगा लूँगी, और ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना वही ये फेंके हुए प्लांट है, जो कि आज मेरे पास इतने हो गए हैं कि पूछिए मत। और जो आप पत्तों से ग्रो कीजिएगा ना तो उसमें वेरिएशन नहीं रहेगा, उसमें सिंपल ऐसे निकलेंगे। देखिए ये ऐसे झुक गया है, तो फिर भी कुछ पत्तों तो मैंने काट दिए हैं, तो ये सब मैं थोड़ा काट के हटा दूंगी, अन पत्तों से ग्रो कर लूंगी। तो देखिए 2 पॉट में मैंने लगाया हुआ है, और दोनों पॉट में लगाने के बाद ऐसी जगह रखूंगी जहाँ की छन की धूप आती है। उसके बाद मैं इसको फुल सन में रखूँगी। ये फुल सन में अच्छी धूप में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और पानी ऐसा भी ना हो कि पानी देना बंद कर दे, पानी हमेशा देते रहे, एक बार तो ज़रूर दे गर्मियों में, और ऊपर से अच्छी तरह से सावरिंग करके दे, और ज़्यादा इसको फुल सन में ही रखे। जितने अच्छी धूप में रखिएगा उतने ही अच्छे नीचे से बेबी पफ निकलते रहेंगे। साल में इसको 1-2 बार खाद दे दीजिएगा, गोबर की खाद हो बर्मी कंपोस्ट इनके लिए बेस्ट है, और इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत खूबसूरत है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है, रूम में महीनों महीनों रह जाते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अगर आपको कहीं मिले तो लगाइएगा, एक पत्ती भी आपको कहीं से मिल जाती है तो उससे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। देख ही सकते हैं ये वही प्लांट है जो कि गिरा पड़ा था, और देखिए आज इतने प्लांट हो गए हैं कि मुझे रखने की जगह नहीं है, कहीं कहीं कोने में मैं रख रही हूँ, और यहाँ भी धूप आती है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत है, और देखिए कितने सारे बेबी पफ इसमें अब बन गए हैं कि अब मैं इन्हें अलग करके बहुत जगह इन्हें ग्रो कर ली हूँ। बहुत खूबसूरत है, इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा, देखने में तो खूबसूरत है ही और बहुत काम का ये प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है और कम देखभाल वाला प्लांट है। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, थैंक यू।